बहुत आ रहा हूँ, फील कर रहा हूँ पापा। पता नहीं मुझसे कहाँ भूल हो गई, कहाँ मेरी कोशिशों में कमी रह गई जो मैं आपको बचा नहीं सका। मुझे आपने जो पर्पस दिया था वो भी पूरा किया, रिंग ढूंढी, हीरो बना, दुनिया के लिए लड़ा, सबको बचाया, पर आपको नहीं बचा पाया पापा। मैं हार गया पापा, मैं हार गया। वीर, मैंने मारना चाहता था और इन्होंने मुझे बचा लिया। आई एम सॉरी। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है शिवाय। अब चाहे कितना भी क्यों ना लड़े हो, पर कहीं ना कहीं ये बात सही है कि तू तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो गिल्ड में बंटा, तेरी कोई गलती नहीं। मेरी किस्मत ही ऐसी है, जब भी खुशियां मेरे दरवाजे पे दस्तक देती है, किस्मत अब सब मुंह मोड़ लेती है। अब तो बस मैं इसी बात से खुश हूं कि मेरे पापा एक अच्छे इंसान थे। जैसे ही उनके अंदर का इंसान जिंदा हुआ, उन्होंने कोशिश की उस मॉन्स्टर को मार देगी, सबको बचाने की। बस इतने दो मांगा था कि मेरे पापा को ढूंढ सकूं और उनके साथ अपनी बची हुई लाइफ स्पेंड कर सकूं, बस वो भी नहीं रहा। आई विश कि बस एक बार किस्मत मुझे मौका दे दे अपने पापा के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का। रॉकी, तू हमसे कब से दूर चला गया था। बच्चा हमारा बच्चा था ही नहीं। हसूलों ने उसे कब का मार दिया था बता। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो लगा कि वो मेरा बेटा है ही नहीं। वो लोग उसे हमेशा के लिए ले गए हमसे, और गलती हमारी है। हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी। कैसे वो उसे असुर बना पाए हमारे बच्चे को। गलती तो हमारी है ना। अब तो बस उसकी आत्मा को शांति मिले, उसे सन्मति मिले, ताकि अगले जन्म में वो अच्छा इंसान बन सके। संस्कार की तैयारी शुरू करें। मैं किसका अंतिम संस्कार करूंगा? रॉकी तो बच जाएगी।
वीर, तूने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तू मेरे रॉकी को कुछ नहीं होने देगा, फिर क्यों चला गया वो? कैसे चला गया मेरा रॉकी? मैम, मेरे बच्चे को एक मौका नहीं मिला खुद को सही करने का। कोशिश की थी माफी, मैंने कोशिश की थी उसे बताने की माफी, पर रॉकी नहीं बचना चाहता था माफी। तू तो हीरो है ना वीर, तेरे पास इतनी सारी पावर्स हैं, तू बचा सकता था मेरे रॉकी को, फिर तू ही था जो उसे बचा सकता था। मैं क्यों आई थी तेरे पास? मैं क्यों आई थी? मैं गिड़गिड़ाती हुई भीख मांगी थी मैंने तुझसे कि मेरे रॉकी को बचा ले। मैं मामी, अभी संभाली अपने आप को। मामी, रॉकी भाई का फेवरेट था ये सब। हमेशा यही सोचते थे कि एक दिन आएगा जब आप घर आओगे और हम सब साथ रहेंगे। तुम ऑफिस में आ गए, पर इतनी जल्दी जाने को किसने बोला था? पापा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड तो कर लेता हमारे साथ। पापा उठिए ना प्लीज। आपने सारा प्यार वीर भैया को दे दिया, एक भी कंप्लेंट है आपसे? पापा, मुझे आपसे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। पापा उठ जाओ ना प्लीज। पापा उठ जाओ। हमें उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए हमें। कब हम उस वीर पर विजय प्राप्त करेंगे? कब असुरी पताके लहराएंगे? कैसे? कैसे? दोस्त हैं हम। हम दुष्ट हैं, दुष्टता ही आती है हमें। उत्तर इसी दुष्टता में छिपा होगा। इसी दुष्टता से ही हमें उत्तर मिलेगा। Thank you.
I'm sorry. हमने साइंस प्रोजेक्ट में जीते थे, सोचा था आपको दिखाएंगे। मैं क्या पता, कभी मैं मौका ही नहीं मिलेगा। मैं पापा के बारे में जितना भी जानता हूं सब वीर से, अमल नंदा द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, वीर के आइडल, वीर के हीरो, वीर के गुरु। मैं तो अनाथ हूं ना, मुझे फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, मगर वीर ने कभी ये फील नहीं करवाया। वीर ने मुझे एक भाई दिया, दो बहनें दी, आखिर में पापा भी दे ही दिया। पापा आपको पता है, आपको पता है, इसने हमेशा हम सबको हौसला दिया है, हमेशा का, कि पापा मिल जाएंगे, पापा मिल जाएंगे। और बंटू एक बार पापा मिल गए ना, तो तू देखना हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। कभी भी भरोसा नहीं तोड़ा। बच्ची तेरे को पता है क्या, तू कहता था ना कि पापा मुझे हीरो बोलते हैं, हीरो हीरो कहते थे। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको तेन में भरोसा है, उनको विश्वास है कि तू हीरो है। सिर्फ उनका हीरो नहीं, उनको ये भी भरोसा था कि तू हम सबका हीरो बन सकता है यार, हम सबका हीरो बन सकता है। ये देख, यूनिवर्स को देख, जो पापा ने कहा है ना, ये बात उतनी ही सच है। तेरे को एक बात बताऊं, एक और बात सच है, पापा हमें कभी छोड़ के नहीं जा सकते, हमेशा अपने साथ होंगे, हर जगह, आसमान में, तारों में, चांद में भी, हर जगह वीर, हर जगह, सूरज की रोशनी में भी, जब भी अंधेरी काली रात होगी, सूरज की रोशनी बनकर तुम्हें गाइड करेंगे। वीर, मेरे बच्चे, मेरे हीरो, ये तेरे लिए और उन दो छोटे छोटे हाथों के लिए, जो बहुत जल्द तेरा हाथ थामने वाले। जब कभी भी मुझे मिस करो या मैं तुम्हारे आसपास ना रहूं, तो ये याद रखना, ऊंचे ऊंचे मकान से देखना आसमान में, तारों का झुरमुट होगा वहां, तेरा पापा होगा। खुले मैदान में हर बागबान में बूढ़ा सा एक बरगद होगा, तेरा रास्ता ताकता होगा, वो भी तेरा पापा होगा। एक रोड लंबी सी जो दूर निगाह तक जाती होगी,
लेट जाना आंखें मूंदे। वो रोड नहीं है लंबी सी, बाहें हैं तेरे पापा की, जिन्हें पकड़ के तू झूला होगा। तेरे साथ तेरे पास हमेशा तेरा पापा ही होगा। You're back. अब आप आ गए हो ना, सब सॉर्ट हो जाएगा, देख लो। जब मॉम है तो नो टेंशन माला। रॉकी ब्रो, यार तू माने या ना माने ना, तू अपना भाई था यार। तू मामा जी, मामी, इस जन्म में तो रॉकी का जो सफर था वो ज्यादा लंबा नहीं था, मगर मैं वादा करता हूं अगले जन्म में रॉकी हम दोनों भाइयों के साथ स्वीटी मीटी और आप दोनों को ना बहुत तंग करेगा। वो सफर ना बहुत लंबा होगा और बहुत खुशियों से भरा होगा। जानता हूँ प्रकृति के नियम होते हैं, कायदे होते हैं, मृत्यु जीवन सांस का आवन जावन सब एक नियत चक्र के हिसाब से चलता है। अन्याय न्याय ये सब कुछ इसी में समाया हुआ है, लेकिन आज मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता ये जो इनजस्टिस है, ये जो अन्याय है, इसे न्याय में बदला जा सके? खुश होना चाहते हैं माँ जी, और उन्हें ये खुशी बिना किसी जख्म के, बिना किसी दुख के क्या नहीं दी जा सकती? क्या अमल नंदा को वापस जिंदा कर सकते हैं?